हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेबी पैंट लेके आई हूँ जो कि 3 से लेकर 6 मंथ तक के बच्चे को इजीली आ जाएगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। साइडों पे हमारी सिलाई आती है, साइड पे हमारी सिलाई आएगी और यहाँ पे मैंने डोरी डाली है ऊपर। डोरी की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने म्यानी बनाई है क्योंकि फ्रेंड्स ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये वाला पोर्शन खोला होना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, किसको हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम 3 से लेकर के 6 मंथ तक के बच्चे के लिए बेबी पैंट बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैंने 25 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। यहाँ पे मैं एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुनूंगी, धागे को पीछे करें एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से पूरी रो को मैंने कम्प्लीट करना है। इस तरह से मैंने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। इस तरह मैंने 2 इंच का बॉर्डर बना लिया है। अब मैं सेकंड कलर को लगाऊंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने सेकंड कलर को लगा लिया है। बॉर्डर के बाद मैंने 5 फंदे बढ़ाने हैं। हर 4 फंदे के बाद मैं फंदे बढ़ाऊँगी। इस धागे को हम ऐसे टक करते हुए चलेंगे। अब ये 5वां फंदा है, यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाने हैं। 5 फंदे बढ़ाऊंगी एक एक करके। एक फंदे को सीधा बुना, फिर इसी फंदे को पीछे से हमने सीधा बुन लिया। इस तरह से एक फंदा यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो गया है। पीछे वाले धागे को लेंगे, ऐसे ऊपर को डालेंगे और इसको हम सीधा बुन लेंगे। हर 4 फंदे के बाद मैं फंदा इंक्रीज करूंगी। पहले आगे की तरफ से सीधा बुनूंगी, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से मैं सीधा बुन लूंगी। इससे 2 फंदे हमारे इंक्रीज हो गए हैं। तीन फंदे हमने इंक्रीज कर लिए हैं। चार फंदे हमने इंक्रीज कर लिए हैं। और इसी फंदे को पीछे की तरफ से हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से 5 फंदे हमने इंक्रीज कर लिए हैं। यहाँ पे अब हमारे 30 फंदे हो गए हैं। नीचे का पोर्शन मैंने 12 नंबर सिलाई से बनाया है, ऊपर का पोर्शन मैं 10 नंबर सिलाई से बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं 4 चार धारियां देकर के कलर चेंज करूंगी। 2 रो मैंने बना लिए। अब यहाँ पे अब हमारे 30 फंदे हो गए हैं। अब आते हैं बैक साइड में। ये ग्रीन कलर से हमारी 4th रो है।
अब यहाँ मैं दूसरा कलर ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि यहाँ मैं मल्टी कलर में बना रही हूँ। मैंने येलो कलर इसमें ऐड कर दिया है। येलो कलर से भी मैं चार लाइनें बुनूंगी, सीधी उल्टी सीधी उल्टी। मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने चार लाइनें और बना ली हैं। अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर लगाऊंगी। अब इधर मैं एक फंदा इंक्रीज करूंगी ऐसे। ये फंदा जो इंक्रीज किया है मैंने, सिर्फ राइट साइड में करूंगी, लेफ्ट साइड में नहीं करूंगी। पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। पहले मैं चार लाइनें और बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब दूसरा कलर ऐड करूँगी। चार लाइनें मैंने ब्लू कलर से बना ली है, अब मैंने दूसरा कलर ऐड कर दिया है। इस तरह से मैंने चार लाइनें और बना लेनी है, सीधी उल्टी सीधी उल्टी। हम जब कलर ऐड करेंगे तो वहाँ पर फंदा हम इंक्रीज करेंगे राइट साइड से। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने चार लाइनें और बना ली हैं। अब मैं राइट साइड में फंदा इंक्रीज करूंगी, क्योंकि हर छह लाइनों के बाद हमने फंदा इंक्रीज करना है। एक फंदा सीधा बुनूंगी, एक फंदे को ऐसे मैं इंक्रीज कर लूँगी। एक फंदा हमारे यहाँ पे बढ़ गया है। इस तरह से ये दूसरा फंदा हमने इंक्रीज किया है राइट साइड में। अब पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। इस तरह से चार लाइनें मैंने बनानी है ग्रीन कलर से। मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने चार लाइनें और बना ली हैं। इस तरह दो बार फंदे इंक्रीज कर लिए मैंने राइट साइड में, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। इस तरह से पांच फंदे मैंने इंक्रीज करने हैं राइट साइड में। मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरी लेंथ बना के कम्प्लीट कर ली है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको। बॉर्डर में मैंने 25 फंदे डाले, पाँच फंदे मैंने बॉर्डर के बाद बढ़ा दिए हैं। उसके बाद मैंने पाँच फंदे ऊपर बढ़ाए हैं। पहला फंदा मैंने यहाँ पर बढ़ाया जब हमने ब्लू कलर की रो स्टार्ट करी थी। दूसरा फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ाया जब मैंने ग्रीन कलर की रो स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर से ब्लू कलर की जो रो मैंने स्टार्ट की थी, तीसरा फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ाया। चौथा फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ाया जब ग्रीन कलर की हमारी रो शुरू हुई थी। पाँचवा फंदा मैंने यहाँ पर बढ़ाया। इस तरह से अब यहाँ निडल पर मेरे 35 फंदे हैं। हमारी बेबी पैंट का लेफ्ट साइड का पार्ट है। अब मैं राइट साइड का पार्ट भी तैयार कर लेती हूँ। इस बेबी पैंट में हमने इस साइड से पांच फंदे बढ़ाए हैं, कि साइड में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। सेम ऐसे ही दूसरा पीस भी मैं तैयार करूँगी। और फ्रेंड्स, ये हमारा राइट साइड का पार्ट है जो मैंने तैयार कर लिया है। इसको हमने सेम ऐसे ही बनाया है, बस इतना ही फर्क है कि इधर हमने फंदे हमने इस साइड में बढ़ाए हैं, इधर की साइड में हमने फंदे नहीं बढ़ाए हैं। जैसे हमने रो को स्टार्ट किया तो रो के लास्ट में हमने फंदे को बढ़ाया है। हमने क्या किया था, रो के स्टार्टिंग में ही हमने फंदे बढ़ा दिए थे। तो इस तरीके से यहाँ भी मैंने पांच फंदे बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे भी 35 फंदे हो गए हमारे। अब हमने दोनों पीस को जोड़ना है। ये हमारा फ्रंट का भाग तैयार हो रहा है। अब मैंने दोनों पीस को जोड़ना है। ये चार लाइनें हमारी ये बन गई हैं। अब हमने कलर चेंज करना है। देखिएगा, सारे फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। अब फ्रेंड्स, 35 फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। अब हमने क्रॉच का एरिया बनाना है, यानी हमने म्यानी वाला पोर्शन बनाना है। तो हमने छह फंदे यहाँ पे इंक्रीज करने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः।
छह फंदे हमने इंक्रीज कर दिए हैं। अब हम दूसरा वाला पीस लेंगे, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है, पीछे जो धागा है हमारा इसको भी टक करते हुए चलेंगे। इस तरह से पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुन लूंगी और बैक साइड की पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुन लूंगी। अब बैक साइड में आ जाऊंगी, पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है। बीच में जो छह फंदे हमने बढ़ाए हैं इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह बैक साइड की पूरी रो उल्टी बुन ली है। अब मैं सीधी साइड में आती हूँ फ्रेंड्स। इस तरह आप देख सकते हैं नेडल पे इस समय मेरे 76 फंदे हैं। अब ये पूरी रो में सीधी बुनूंगी और बैक साइड की पूरी रो में उल्टी बुनूंगी। जब सीधी साइड में आऊंगी तब यहाँ पे फंदे मैं डिक्रीज करूंगी। मैं इतना बुन लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन करके अब मैं सीधी साइड में आ गई हूँ। अब चार लाइनें हमारी ग्रीन कलर से बन गई हैं। अब मैं कलर चेंज करूंगी। अब इस रो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमने फंदे घटाने हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लगा लिया है। पैंतीस फंदे पहले मैं सीधे बुनूंगी, तीन छः नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस। पैंतीस फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब बीच में हमारे जो म्यानी के लिए हमने छः फंदे बनाए थे, ये हमारे म्यानी के फंदे हैं छः। अब हमने यहाँ से फंदे घटाने शुरू करने हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने दो फंदे का एक करना है इधर को, और इधर भी हमने दो फंदे का एक करना है। ये छः फंदे दिखाई दे रहे हैं, दो फंदे का हम एक करेंगे, फिर इधर भी दो फंदे का एक करेंगे। बीच में दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये दो फंदे हैं, दोनों फंदों को पहले हम लूज कर लेते हैं। सीधे फंदे की तरह हमने सिलाई को डालना है और दो का एक कर देंगे, फिर दो फंदे बीच में सीधे बुन लेंगे। ये हम म्यानी की शेप देने के लिए कर रहे हैं। अब ये दो फंदों का भी हमने एक करना है, लेकिन पहले कैसे करना है, इन दो फंदों का भी हमने एक करना है, लेकिन हमने क्या करना है, पहले फंदों को सीधा कर लेंगे, नीट वाइजर से स्लिप कर लेंगे, फिर वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे लेंगे और दोनों फंदों को पीछे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे करना है हमने। उसके बाद बाकी के जो 35 फंदे हैं इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। बैक साइड में कोई हमारी डिक्रीजिंग नहीं होगी, इसलिए बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के हमें कंप्लीट करना है। मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ सीधी साइड में। अब मैं सीधी साइड में आ गई हूँ।
फ्रेंड्स अब सीधी साइड में पूरी रो को मैं सीधा बुनूंगी, फिर बैक साइड की पूरी रो उल्टी बुनूंगी। जब मैं सीधी साइड में आऊंगी फिर से, तो फिर से यहाँ पे फंदे मैं डिक्रीज करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 फंदे बढ़ाए थे, अभी हमने 2 फंदे घटाए हैं, यानी 4 फंदे हमने 2-2 करके और घटाने हैं। फ्रेंड्स इस तरह से 4 लाइनें बन के हमारी कम्प्लीट हो गई हैं। फ्रेंड्स अब मैं सीधी साइड में आ गई हूँ, अब मैंने ऊन का कलर चेंज करना है, क्योंकि येलो कलर से हमारी 4 लाइनें बन गई हैं। अब फ्रेंड्स इस रो में हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग करनी है, यानी फंदे घटाने हैं, तो अब मैं 34 फंदे पहले बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डिक्रीजिंग करूँगी। पहले हमने 35 फंदे बुन के डिक्रीजिंग करी थी, अब मैं 34 फंदे बुनूंगी, उसके बाद डिक्रीजिंग करूँगी। 34 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब बीच में अब 4 फंदे हमारे बचे हुए हैं, जो हमने यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाए थे, 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए, अब 4 फंदे हमारे यहाँ बचे हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, 2 फंदों का एक करेंगे। पहले लूज कर लेती हूँ, सीधी तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब इधर भी 2 फंदों का एक करेंगे, लेकिन अब इधर भी 2 फंदों का एक करेंगे, सीधे फंदे की तरह ऐसे स्लिप सीधे फंदे की तरह उतारेंगे हम फंदे को, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे लेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फंदा यहाँ पे सीधा हो जाता है। दोनों फंदों का एक साथ पीछे की तरफ से हम 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। बाकी के इधर 34 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इससे से पूरी रो को मैंने सीधा बुन लिया है, और बैक साइड की पूरी रो को मैं उल्टा बुन लेती हूँ। जब मैं सीधी साइड में आऊंगी फिर मैं बताऊंगी क्या करना है। फ्रेंड्स डिक्रीजिंग करने के बाद बैक साइड की पूरी रो को मैंने उल्टा बुन लिया है, अब मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। अब सीधी साइड की पूरी रो को मैंने सीधा बुनना है, और बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुनना है। अभी हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग नहीं करनी है, मैं 2 रो बुन लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब मैं सीधी साइड में आ गई हूँ। अब मैंने ऊन का कलर चेंज करना है, क्योंकि ब्लू कलर से हमारी 4 लाइनें बन के कम्प्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे 33 फंदे बुनेंगे, यहाँ पे 30 बार हम फंदे घटा रहे हैं। सबसे पहले 33 फंदे मैंने सीधे बुनने हैं। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
क्लिक करना है। सीधी तरफ से ऐसे लेंगे और दो का एक कर देंगे। अब ये दो फंदों को अभी हमने एक करना है, लेकिन पहले हम फंदों को ऐसे सीधा करेंगे। वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे।
ये हमारी तीसरी डिक्रीजिंग है, इसके बाद हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, पूरे 6 फंदे हमारे घट गए हैं यहाँ तक। अब आगे के सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इससे इस रो को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। बैक साइड की पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनूंगी। अब यहाँ पे हमने कोई फंदे नहीं घटाने हैं, हमारी म्यानी वाला पोर्शन है। आगे मैंने क्या करना है, पूरी आसन की लेंथ कंप्लीट करनी है। जितना मुझे आसन चाहिए होगा बच्चे के लिए, उसकी लेंथ मैं कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद एक छोटा सा बॉर्डर बनाऊँगी ऊपर। इस तरह से आगे का पीस मेरा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। सेम ऐसे ही एक और पीस मैंने बनाना है बैक पार्ट के लिए। फिर दोनों पीस जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इतना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। से डिक्रीजिंग करी मैंने 3 बार, उसके बाद सीधी तरफ से पूरा सीधा और उल्टी तरफ से पूरा उल्टा बुनते हुए मैंने ये आसन की लेंथ कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैंने ऊपर बॉर्डर बना दिया है। तो इस तरह से ये पीस हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे 7.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है और 7.5 ही दूसरा पीस भी तैयार किया है। दोनों पीस तैयार करने के बाद फिर दोनों पीस को मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है, बीच में 6 फंदे बढ़ा के 8 इंच मैंने ये बुना है। आसन की लेंथ मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है, इसका पीस हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अब मैंने दूसरा पीस भी सेम इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने ये वाला बनाया है। फ्रंट दूसरा पीस भी मैंने सेम ऐसे ही बनाया है। 7.5 इंच तक इधर वाला लेग बनाई मैंने और 7.5 इंच मैंने इधर की लेग बनाई। उसके बाद बीच में 6 फंदे बढ़ा करके दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया है। 3 बार डिक्रीजिंग करी है, उसके बाद सीधा उल्टा बुनते हुए आसन की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। अब ये दोनों पीस हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैंने सिलाई करनी है। अब मैंने धागा पिरो लिया है सुई में। इस तरह से मैंने पूरी सिलाई करनी है। फ्रेंड्स अब मैं इधर की पूरी सिलाई करूंगी, फिर इधर की पूरी सिलाई करूंगी, उसके बाद बीच वाला पोर्शन है ना, इसको भी मैं पूरा सिल दूंगी। फ्रेंड्स मैं सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है। इस फ्रेंड्स इस तरह मैंने सिलाई करके इसको कम्प्लीट कर लिया है। देख सकते हैं ये सिलाई हमारी साइड पर आई है, दोनों तरफ से सिलाई हमारी साइड पर आई है। बहुत ईजी तरीका है ये बेबी पैंट बनाने का। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स इस तरह से बेबी पैंट बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।